بسم الله الرحمن الرحيم لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والسيدة يا الله يا محمد يا علي يا سيدتو يا حسن يا حسين يا صاحب الزمان أدركني ولا تهلكني ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير سلام قولا من رب الرحيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين بار الہ مجلس قبول فرما حاضرین دی حاضری قبول فرما سارے دن دا تمام قبول فرما بے التا حسین کو صحت کلی عطا فرما خاندان کو نال عزیز و اقربان دے مالک آباد و ارشاد فرما حاضرین مجلس تے مرحومین بشرط کے مومنین چ ہون مالک درجات بلند فرما امام العصر دی زیارت دے قابل بنا کربلا دی منازل سارے واسطے آسان فرما حجت دوراں دا ہنے ظہور فرما اللہم صلی علی محمد و آل محمد جل فرج اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للكافرين والمنافقين السلام على رسول الكريم ابي القاسم محمد اما بعد فقد قال سبحانه تعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم أتريدون أن تهدم الأذل الله صلبا اجازت جی زمانہ جہدے تے سوال کریندے او زمانے تے سوال پیا کریندے فرمایا اتریدون انت ہدمن ازل اللہ تسا انہاں کو ہدایت تے آنن دی کوشش ودے کریندے او جنہاں تے گمراہی دا حکم اللہ لا چھوڑے
परवरदिगार उन्होंने क्या अलामत है, क्या निशानी है जिन्हें गुमराही का हुक्म तुसन ला छोड़े। फरमाया व मैं युज़लिल्लाहु फलन तजिद लहु सबीला, जैसे ते गुमराही का हुक्म मैं अल्लाह ला छोड़ा उन्दे कुल हर शय हो सी सबील न हो सी। सबील अली दी विलायत थे, मैं कुछ सूरह फुरकान मेरे यकीन च इजाफा कर दिते। यौम यअज़ु ज़ालिमु अला यदैहि यकूलु या लैतनी तख़स्तु मा रसूल सबीला। क़यामत अले ॾियारे लिखाए ज़ालिम अपने दंदा नाल अपने हथ वढ़ेंदे खड़े होसन, पिटेंदे खड़े होसन, त्यादे खड़े होसन, काश असा रसूल दे नाल सबील कोई मन गिंदे। रसूल दे नाल एवत सबील हुआ है जो रसूल दे नाल निन्हे मन्ना वो अली दी विलायत। कौन हिदायत करें दे अली दी हिदायत, इन्ना हदैना हु सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। हिदायत असा करें तुहाडी मर्जी पवे शुक्र करो, मर्जी पवे तो कुफर करो। तो मेरे शिया सुनी दोस्तों, सादात गैर सादात, चलो अल्लाह ते हिदायत करण वाला कहें को नहीं करें ना तो वो नहीं करें ना। वलौ शा अल्लाहु लजमअहुम अलल हुदा फला तकूनन मिनल जाहिलीन। अगर अल्लाह चाहता तो सबको अली पर इकट्ठा कर लेता, सबको। मेराज ते किया ना तो रसूल वल्ले सलमान आदे गए जो हावे कोई गाल अली दी थई गई। फरमाने यकियां थी दिया उही दिया रही है। ते केड़ियां थई हैं, फरमान मैं अली दे मुतालिक अल्लाह ते कई सवाल कीतन, ते सारे सवाल अल्लाह मेरे अली दे बारे मनन। हिक निस मन्ना सलमान अले सखी पहले चलो हिक ओ चा दसो जेड़ा मनस, ते ओ ही दसो चा जेड़ा निस मन्ना। फरमाया मैं मालिक ते सवाल कीते, मेरे मालिक जिथा मेरा जिक्र होवे उठा ही नाल अली दा जिक्र होवे। मालिक आके मैं चाहता ही मैं कुरान जी तेरा जिक्र कीते ते नाल अली दा कीते। ते वत या रसूलल्लाह ओ केड़ा सवाल है जेड़ा तुसा अली दे बारे कीते ते अल्लाह नहीं मन्ना। फरमाया मैं ओदी बारगाह च अपील कीती है जो कायनात ते मेरे भरा अली दा दुश्मन कोई ना होवे। अगू मालिक आके मैंने रसूल देर कीती आई, हुण तां मैं बेनसले बना बैठा। अल्लाह ने नहीं करे हिदायत करने वाला कौन है गदनफर जी में अल्लाह चौदह पाक इन हिदायत करने वाले स्पेशली अली दी हिदायत अलग। अंतकूल लौ अन्नल्लाह हदानी लकुन तो मिनल मुत्तकीन। अगर अल्लाह हमें हिदायत करता तो आज हम भी मुत्तकीन में से होते। इन मतलब जिन्हें मुत्तकीन चु नहीं थे उन्हें को हिदायत अल्लाह नहीं कीते, कहीं नहीं कीते। कुछ अवामिल ऐसे जिन्हें अवामिल दी बिना बंदे अली मौला तू गुमराह थी बन। मैं आज उहे तुहारी नजर करना चाहना जेडे कुछ किस्म दे लोग हैं सही जेडे अली तू सही गुमराह थे वो वजूहात में तुहारी नजर करना चाहना। वो कालू रब्बना
इन्ना अताना सादतना व कुबराना फाजल्लू नस्सबीला। कुछ बंदे मैदान है क्या मती चाक्षण परवरदिगार असा अपने वडेरां दी पैरवी कीती आई कहिंदी, यानी ये जिथा सरदारी निजाम अक्सर होंदे ना, ये हुण तो मेरे ख्याल नहीं रिया होवण दे बराबर है, जिथा सरदारी निजाम होवे जरूर उथा जेड़ा अकीदा सरदार दा होंदा है अक्सर बेशतर वो रियायत होंदे। असा अपने वडेरां दी सरदारां दी पैरवी कीती ही, उन्हां सा कु सबील दे नेड़े नाह लगन दिता, उन्हां सा कु सबील तो, और हमेशा गुमराह वो थींदा वे जेड़ा अंधी पैरवी करेंदे, तकलीद करना जुर्म नहीं, अंधी तकलीद करना जुर्म है। ठीक है, पहली किस्म के लोग, और दूसरी किस्म के लोग जेड़े अली मौला तो गुमराह थे। व इन तुते अक्सर मन फिल अर्ज़ युज़िल्लु कान सबीलिल्लाह, अगर आपने अक्सरियत को मयार हक बनाया तो फिर भी सबील से गुमराह हो जाओगे। अक्सरियत, कुछ बंदे फैसला करने तो पहले सुचैन, अच्छा देख जमहूर के पिया करें दे, अक्सरियत का फैसला किवे, अक्सरियत मातम नहीं करें दी, अक्सरियत अलीयुन वलीयुल्ला नहीं पढ़ दी, अक्सरियत वह दी जहन्नम पिए। अक्सरियत का शौक है तो अक्सरियत में दी जहन्नम पई है। वलकत जर्रान ले जहन्नम कसीरन मिनल जिन्न वल इंस लहुम कुलूबुन ला यफकहून बिहा वलहुम आयुनुन ला युबसिरून बिहा वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा उलाइक कल अनआम बल हुम अज़ल्लु सबीला। मैंने जिनों और इंसानों की कसरत को पैदा ही जहन्नम के लिए किया, ये दिल रखते हैं समझते नहीं, आंखें रखते हैं देखते नहीं, कान रखते हैं सुन नहीं सकते। وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ। اے رسول جب آپ انہیں ہدایت کی طرف بلاتے ہیں یہ آپ کی بات سن نہیں سکتے। وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ, आपको ऐसे लगता है जैसे ये आपकी तरफ देख रहे हों, सच तो ये है खा ये आपके सामने क्यों ना खड़े हों ये आपको नहीं देख सकते। काठ गण वाले बंदे साकू आदन जी किताब विच अली दिखाओ, जेड़ा मोहम्मद के सामने खड़ के मोहम्मद को नहीं देख संगदाओ को किताब विच अली किवें नजर आवे। दो किस्म के लोग हो गए, कितने हो गए जी, केड़े केड़े बोल गया, अक्सरियत ते वडेरां दी शाबाश, वडेरां दी पैरवी। हुण तीजा है गुमराह करने वाला, बल्कि तीजा भी तो चौथा भी, ये दो कैटेगरियां वो आ गई हैं, ये गुमराह करने अली तो, गुमराह करने अली वली उल्ला तो रुकेंदे। त्रीजा है शैतान, ये भी सबील दा दुश्मन है। ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وانهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون। जो रहमान के जिक्र से अंधा हो जाता है हम उसके ऊपर एक शैतान मुकर्रर कर देते हैं जो हर वक्त उसके साथ रहता है और हर वक्त उसे अली की विलायत से रोकता है। वह या सबून अन्नहुम मोहतदून, ये गाल बड़ी पते अली है,
और वो रुकने वाला अपने आप को ऐसे समझता है कि जैसे मैं हिदायत याफ्ता हूं। गुनाह करना एडा नुकसानदेह नहीं जितना गुनाह ते मुतमईन होना नुकसानदेह। तेरे पंजे इमाम की एक हदीस मिलती है, फिर सारा हुबदार को गुनाह थी वजे ना तो उस तो बाद जी पशेमानी करें दे पशेमानी को ही अल्लाह तौबा शुमार करें दे। ते जेड़ा बंदा गुनाह ही कर खड़े तो वह तो पता ही ना हो गुनाह है कि नहीं। भैया सबूना ना हूं मोहतदून, ये समझते हैं कि हमने बड़ा अच्छा किया है, हम तो बड़े हिदायत याफ्ता हैं। उसकी वजह यह है वज़ैयना लहुम शैतान आमालहुम फसद्दहुम अन सबील वकान मुस्तबसरीन, शैतान ने उनकी आंखों के सामने आमाल को जीनत देकर उन्हें सबील से रोक दिया। ये शैतान बड़ा चलाक है, ये बड़ा खतरनाक दुश्मन है तुम्हारा। ये अमल दा आक्सी खैरुल अमल तो रुके सी, शैतान ए नाक सी जो नमाज न पढ़, वो आदे नमाज पढ़ पिया नमाज दे विच नमाज न पढ़। सवाल यह पैदा होता है कि शैतान को केड़ी दिलचस्पी है भी आप ना मुराद आदम का इनकार किया, निराश गया साढ़े को अली का इनकार वादा करेंगे, वो को क्या दिलचस्पी है। इन्ना मैयद ओ हिजबहु लयकून मिन असहाब सईर, वो चाहता है मुझे जहन्नम में बोरियत ना हो। मेरी लड़ी तो निकली है इन्हों का तख्त ही नाल चाहवा। तो शैतान सबील तो बोलो रुकेंदे, वो तो को मुतमईन कीती वदे हां नमाज है पक्की है जन्नत, रोजा है टेंशन ही कोई नहीं, जकात दिती आवी वत केड़ी टेंशन है। इन सारिया चीजां तो देख के बंदा मैदान है क्यामत पिटेंदा खड़ा हो सी। अंतकूल नफ्सुन या हसरत अलामा फर्रतो फी जंबिल्लाह, पिटेंडा खड़ा हो सी मने कुल हर शय त है या अली अली कमी क्यों रह गई है। इन्नहु लहसरतुन अलल काफिरीन, ये काफिरीन इस पे हसरत करेंगे मैदान क़यामत में, अली की विलायत पे कुफार हसरत करेंगे, काश हमारे पास भी अली की विलायत होती। तो वह तल्ला ईंदे तू कमी तो रोक है ताकीदन वस्समा रफाहा व वज़अल मीज़ान अला तत्गु फिल मीज़ान व अकीमुल वज़न बिल क़िस्त व ला तुख़सिरुल मीज़ान। इत मीज़ान अली दना है, मिजान तेरे मौला अली का ना है। हाँ मिजान इच गड़बड़ न कराए, वह अकीमुल वजन बिल किस्ते वाला तुक्सरुल मिजान, मिजान इच कमी न कराए, मिजान इच मेरे देखो बाबा खैर है कोई गल नहीं तू सही करा हा वही में छोटे। हाँ मिजान इच किबला साहब मीजान इच कमी न कराए ते वत कहे कमी दे आखे ते कमी न कराए। अल्लाह जिंदगी करे,
हलीज बाबा कमी न कर। मैं हदीस में इवें तबक रोशन थी गन इमाम जमाना दी कसम है, तो एक बारी पेरा हेठ जमीन निकल गई है। जले पहला हिस्सा पढ़ा मी ना हदीस दा, जमीन पेरा हेठ निकल गई है। ते हदीस ही तेरे सरदार दी, तेरे सरदार दी रिसालत माप दी। बाबा बतूल दा बैठा आदे आमाल दी वजह तू, मौलवी तो तेको आ गए ना आमाल चंगे हो तो जन्नत लगा वैसे। रसूल बैठा आदे आमाल दी वजह तू जन्नत कोई नहीं वन संगदा। अगू साहब है कराम रिजवान उल्ला आजमाई ने चुके सवाल किया, या रसूलुल्लाह तुसा? फरमाया मैं मुहम्मद भी आमाल की वजह तू जन्नत नहीं वही संगदा। यादा कौन बैठे? गुनाह तो दूर की गल, जिंदे कोल सारी जिंदगी तरक औला ही नहीं थी आ। वो मुहम्मद बैठा आद है कि मैं मुस्तफा भी अपने आमाल इन्हें नमाजा रोजा की वजह तू जन्नत ना मन संगदा। ते अगू कहीं सवाल किया सही, जेडा तुसा नवे वन सकते आमाल की वजह तू वत कौन वैसी? फरमाए वंजन वाले वैसन, मैं ही वैसा। वत किवें वैसो? फरमाया या अल्लाह दे फजल की वजह तू, या अल्लाह की रहमत की वजह तू। पूछा गया तेरे पंजवें इमाम को ले फजल क्या है रहमत क्या है? फरमाया मुहम्मद रसूलुल्लाह दा फजल है, अली उन वली उल्लाह दी रहमत है। घबरा तो नहीं गए साहब? अच्छा मौला दे फज़ाइल बयान करी वे ना, तो बंदे आ जाने से ये डिठा वे से ये नमाज तू तो मुतमैन थी गैन, मैं अली अली कर दे मेरे पार। हुण उहदे पुत्र दी जागीर होवे, मैं तो नहीं दित्ती जन्नत, मैं तो आप तलबगार हाँ। हाँ इहो जिहा एक वाकिया बनिया मदीने च, एक बंदे को गलवीन चु घसीट के महज़रे मुबारक रिसालत माप च घिने हजरत उमर, या रसूलुल्लाह इंदे कम डिठे वे। एक गलियां च होके वदा देंदे जेड़ा मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के ने जन्नत लगावे सी, ई तो बंदे नमाज न पढ़ सन। क्या तुसा ए फरमाए? फरमाए ना गिरबान छोड़ दे, मैं फरमाए जेड़ा मुहम्मद रसूलुल्लाह पड़सी जन्नत वैसी। सजे हाथ का इशारा करके फरमाए शर्त है जो नाल अली दी विलायती रखता हो। जन्नत दी जेड़ी कीमत है ना, ये गवाहियां ही नहीं। ढेर नमाजा कहे को जन्नत घिन वेंदिया तो शैतान तेरे तू पहले किया खड़ा होंदा। नमाजा नाल दर्जात बुलंद थी ने, उन्हां दे दर्जात बुलंद थी ने जिन्हां कोल अली दी विलायत है। बंदे आ जांदे अली दी विलायत दा ना चाहंदे ते रसूल दी रिसालत दा नहीं चाहंदे ते तौहीद दा नहीं चाहंदे। उह मियां जिंदे कोल विलायत है उंदे कोल हर शय है। जिंदे कोल अली दी विलायत है उंदे कोल रिसालत पहले है, तौहीद पहले। अली आले कोले नहीं पूछना पौंदा तू नबी को मने ने, हमेशा नबी आले दा मुंडा हला के पूछना पौंदा मियां जी अली को मने ने। इवास्ते मेरी मुआजमा मस्जिद मदीना च फरमाया हा कि अल्लाह ने ईमान को हर किस्म के शिरक से पाक रहने का जरिया बनाया, ईमान अली दी विलायत। तो बाबा जन्नत वजह नहीं ना हिंदी वजह तू ये ना हो में ना वत नमाज़ पूछनी ही कहे नहीं। पासपोर्ट ना होवे तो वीजा कोई नहीं पूछता। तो समझ आंदी पे मेरी बात? त्रै हो गए होने तुहाडे हाफिज़ दा इम्तिहान जिन्हें अवामिल की बुनियाद ते बंदे अली दी विलायत तो गुमराह थे ने। त्रै केड़े केड़े भला? अक्सरियत वडेरां दी पैरवी करन वाले ते शैतान।
ਹੁਣ ਚੌਥਾ ਦੱਸਾ ਚਾ ਹਿਵੇ ਕੁਰਾਨ ਚ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਵੰਜੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਖਿਲਾਫ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا اللہ دے رحمت مومنا واسطے قرآن تے جڑے ظالم نا انہاں کو نقصان مل سی ہن میں کو نہیں پتہ کہندا فائدہ ہے تے کہندا نقصان ہے آیت تے قبلہ میں تے پڑھنی ہے بھاویں کو پیار سمجھ تے بھاویں خار سمجھ ہیں चौथे किस्म दे लोग जेड़े अली तू गुमराह थींदे उन्हां को करेंदा कौन है या अय्यो अल्लज़ीना आमनु इन्ना कसीरन मिनल अहबार वर रुहबान याकुलूना अमवाल अन्नास बिल बातिल वया सुद्दूना अन सबीलिल्लाह ईमान आले खबरदार इन्हां दरवेशां ते मलवाणा दी अक्सरियत होए जेड़ी लोगां दा माल हराम खा के उन्हां को अली दी विलायत तो रोकेंदी होती है अपना हो बंदा बेदा गिन के आप खा वे ना गिने बे वास्ते खुम्स में कुड़े उच्चे सही उठाने वने उठाने वने उठाने वने उठा खा आप वे माफ करना जेडी नियाज गिंदे हैं अपने वास्ते गिंदे हैं झूठ बोल के नहीं गिंदे हां अगली जी गल मुक मुकाल सारे इतराज से मुक मुकाल बंदा अपना अजर जरूर कम करें दे लेकिन मुक मुका शरअन गुनाह नहीं मुक मुका गुनाह होंदा तो यके बकरे हराम नहीं जेडे मुक मुका करके खादी बैठे कुर्बानी आले बल्कि शराई हैसियत है कई बंदे इवें करन सी वैनन ते दुकानदार जेड़े पैसे मंगे डे के वाले आनन रसूल दे असराफ है ए फजूल खर्ची है उतने दी वो शायद वाले ते जायज नहीं जेंदे मुकेंदे मुकेंदे तेरे पसीने दा कतरा ना लुड़े अमीर अल मोमिनीन जेड़ा खरीदारी करन वैने हैं ते चेहरे ते नकाब पाके बोला ये क्यों करन दे हो फरमाया मत मेरी शक्ल ले के दुकानदार मेरे नाल मुक मुका न करे या अय्युह अल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल इल्ला अन तकूना तिजारतन अन तराज़िन मिनकुम ए ईमान वालो आपस में माल को बातिल करके न खाओ हाँ मगर जो बहामी रजामंदी से हो तो अरे पता कुरान है तो यार चाहिए भाई इल्ला अन तकून तिजारतन अन तराज़िन मिनकुम जो बहामी रजामंदी से हो वो खाओ तक पे हो बहामी रजामंदी नल खावना जाए दे ते बंदा गिने मस्जिद वास्ते ते बनावे पुत्र दा मकान एक होनी जाए सारे भी उलमा ऐसे नहीं होंगे मुकद्दस अर्दबेली का नाम सुना है बहुत बड़े जैयद आलम दीन गुजरे मुकद्दस अर्दबेली सरकार मुकद्दस अर्दबेली गजनफरबा से बेशक कलीपी बड़ा छोड़े अगर दिल आखिता सरकार मुकद्दस अर्दबेली वेने हर महीने नजफ चू बगदाद कासबैन सतवें सरकार की ज़ियारत करो हूँ वो माने बसा कोचा कारा तो होंगे कौन हैं लोग या घोड़ा किराए ते गिनवाने या खच्चर किराए मेरे ख्याल है उन्हें थक पे बस करो या खच्चर किराए ते भाई में खच्चर उन्हें किराए ते किदा भाई में रखते सफर बने दे पे जो एक मोमिन आ गए सही वे पे हो कासमैन वेंदे पे हो बगदाद वेंदे पे हो उन्हें फरमाया जी मैं वेंदे पे ई छोटा जेड़ा खत मेडा चाही वनो फलाणी दुकान ते फलाणा बंदा बैठा हो सी वो कुडे छोड़े सरकार मुकद्दस अर्दबेली फरमाया कि मेडा अपना नहीं
ਇਹ ਖੱਚਰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕਿਰਾਇਆ ਮੁੱਕਾ ਹੋਏ ਤੇਰੇ ਖਤ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਯਾਰ ਇਸ ਕਦਮ ਇਹਤਿਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਚਿੱਟਾ ਜਵਾਬ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਲੇ ਨੇ ਉਹ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਖੱਚਰ ਉਹ ਕੁਲੇ ਨੇ ਉਹ ਲੱਭ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਰਾਏ ਚੜੇ ਤੇ ਉਹ ਉਵੇਂ ਰਾਜ਼ੀ ਥੀ ਵਜੇ ਮੈਂ ਗੁਡੇਵੇਂ ਮੈਂ ਸਿਰ ਰੱਖੀ ਤੇ ਖੇਨੂੰ ਵੈਸਾ ਫਿਰ ਦੌਰ ਜਾਂ ਤਰੇ ਘੰਟੇ ਕੁਲੇਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਲੱਭਾ ਨਹੀਂ ਮੁਕੱਦਸ ਸਰ ਤਾਂ ਵੇਲੀ ਕੋ ਦੇਰ ਪੈ ਥੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਬੰਦਾ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਮੋਮਿਨ ਹੈ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਵਣਾ ਅੱਲਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਥੀਂਦੇ ਔਰ ਹਮੇ ਕੁਡੇ ਉਹਨਾਂ ਖੱਤ ਗਿਨ ਗਿਦਾ ਲੇਕਿਨ ਨਜਫ ਤੂੰ ਚਾਹ ਕੇ ਕਾਜ਼ਮੈਨ ਤੱਕ ਉਹ ਖੱਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਲ ਟੁਰਦੇ ਗਏ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਥੀ ਗਏ ਵਹਿੰਦੇ ਡੇਲੇ ਪੈਦਲ ਟੁਰਦੇ ਗਏ ਹਾਂ ਇਵੇਂ ਇੱਕ ਖੱਤ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਜੋ ਮੈਦਾ ਮੁੱਕਾ ਹੋਏ ਈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਅਸਾਂ ਐਸੇ ਉਲਮਾ ਦੇ ਕਾਇਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਪੈਸਾ ਗਿਣ ਕੇ ਖਾ ਵਣੇ ਤੇ ਖੁਮਸ ਦੇ ਗਿਣ ਕੇ ਖਾ ਵਣੇ ਤੇ ਸਦਕੇ ਦੇ ਗਿਣ ਕੇ ਖਾ ਵਣੇ ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅਸਾਂ ਕਾਇਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਰਾਤ ਤੇ ਵਣੇ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਖੁਮਸ ਨੇ ਵਣਦੇ ਅੱਗਾਂ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਬਲਾ ਸਾਹਿਬਾ ਵਹਿੰਦੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਮਸ ਨੇ ਵਣਾਵੇ ਜੀ ਅੱਡੇ ਵਣਾਵੇ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਨਾ ਉਹ ਵਣ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਵਣ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਮੁਰਗਾ ਫਸਾ ਆਇਆ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਚਾਹੀ ਵਧੇ ਮੈਕੂ ਕਿਤਨੇ ਮਿਲ ਸਨ ਇਹ 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 ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੱਕ ਕੇ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਹੁਕਮ ਮਿਲੇ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਰੀਬ ਸਾਦਾਤ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਮਦਦ ਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਡ ਕਾਰਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਇਸਮਾਇਲ ਖਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਾ ਬਾਬਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਬਾਤਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਖਾ ਤੇ ਨਾ ਖਵਾ ਮੈਂ ਜੋ ਮਦਰਸਾ ਬਣਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿੱਚ ਸੈਯਦੀ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਗੈਰ ਸੈਯਦੀ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਖੁਮਸੀ ਘਿੰਨਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਘਿੰਨਾ ਸੈਯਦ ਕੋ ਸਦਕਾ ਖਵਾਵਾਂ ਗੈਰ ਸੈਯਦ ਕੋ ਖੁਮਸ ਖਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖਵੇਂਦਾ ਹਰਾਮ ਬੈਠਾ ਅਲੀ ਕੋ ਨਾ ਭੌਂਕ ਸੈਨ ਤੱਕ ਕਰੇ ਸੈਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਲਟਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿਸ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀ ਵਾਂਜੇ ਊਹਾ ਨਿਕਲਦੀ ਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਤਿਲ ਵੜ ਚੁੱਕੇ ਹੀ ਵਾਸਤੇ ਆਦ ਹੈ ਨਲੀ ਉਨ ਵਲੀ ਉਲਾ ਬਾਤਿਲ ਮੌਲਾਨਾ ਇੱਕ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਦਾ ਦੁਆ ਕਰੇ ਇਹ ਆਦਰ ਨਾ ਅਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਚੋ ਇਹ ਨਮਾਲ ਬਾਤਿਲ ਥੀ ਵੇ ਸੀ ਅੱਲਾ ਪਤਾ ਕਿ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਅਦੇ ਵਾਲਾ ਇਨ ਜੇਤਹੁਮ ਬਿਆਯਾਤਿਨ ਲਾ ਯਕੂਲਨ ਅਲਜ਼ੀਨ ਕਾਫਰੂ ਇਲਾ ਇਨ ਅੰਤੁਮ ਇਲਾ ਮੁਬਤਲੂਨ ਜਦਾਂ ਤੁਸਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਆਇਤ ਗਿਨਾ ਸੋ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਫਿਰ ਆਧੇ ਰਾਸੇ ਨੇ ਬਾਤੇ ਲੇ ਪੰਜਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਇਵੇਂ ਮੁਨਾਫਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸਬੀਲ ਤੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਤੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਬੀਲ ਤੁਰੂ إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله بل رسول جل تولے کولا کہ تو کو ادن تو اللہ دے رسول ہو یہ تو منافق ہے رسول ادک کراں قسم پہنچے نے ਮੁਨਾਫਿਕ ਭਾਵੇਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਹੋਵੇ ਕਸਮਾਂ ਵੜੀਆਂ ਚ ਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜਬਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੋਮਿਨ ਫਿਰਾਂ ਆਏ ਤੇ ਇੱਕੋ ਕੁਛ ਹੈ ਮੌਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਕੋਈ ਅਸਾ ਮੌਲਾ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਬਸ ਅਲੀ ਵਲੀ ਉੱਲਾ ਨੱਪੜ
इत्तखज़ू ईमानहुम जुन्नतन फसद्दू अन सबीलिल्लाह, एक कसमा को ढाल बना के लोगों को अल्लाह दी सबील तो रुके दे वदे बंदे आदर सी हुन हर कहंदे मथे ते लिखा कोई नहीं होया असा तो मारने नारा हैदरी भावे तू बोल ते भावे ओ बोले ओए हर कहें दे मथे ते लिखा होए हर कहें कोल पढ़ींदा नहीं कौन आदे को नहीं लिखा होया मथे ते ते बात जे ना अली दे फजाइल पढ़ींदे पए होवे नहीं मैं समझे भई ओ टेस्ट थींदा पे मैं नहीं अली अल वली उल्ला ते कोई बैठा बुलेंदा होवे जाकिर दन डिठा कर सजे खबर इठा कर रहमत किथा पई लिखींदी ए लानत किथा पई जेड़ी शकल च ने इंसानी शकल च मैं को अली दी कसम है अली दा एहसान नहीं कई बंदे बजाहिर शकल च इंसानी विचो कुछ बहे हां हां विचो एक मशहद मुकद्दस च आलम रब्बानी गुजरा ओवे कपड़ा दे के लंघदा आई उक बंदे असल शकल च नजर आने हैं ते एडा वाला बरगुजीदा आलम दीन आ ओ बीमार को हाथ लावया ठीक थी वेंदा आई असा उलमा दे दुश्मन है जेड़ा 14 दा दुश्मन होवे उंदे दुश्मन है ठीक थी वेंदा आई ते वत कुछ देना बाद ना मुकद्दफात विलाया किताब दा ना है विलायत के फूल ना ही बड़ा सोहने किताब दा कुछ देना बाद उन्हां दे हाथ चो असर खत्म हो गया लोग पूछा कि बोला खैर उन्हें फरमाया बस कोई गलती थी ये गुनाह थी ये दुआ करो माफी मिल मजे कि बोला तुरी चेहरे की नूरानियत ही नहीं शायद ही गवाही दें भी थोड़े को कोई गुनाह थी गे केड़ा गुनाह की थी जो हाथी चो असर लगा गए उन्हें फरमाया मैं बतूल दे दुश्मन नाल मुसाफा कर खड़ा हूं बतूल दे दुश्मन नाल बंदा मुसाफा करे असर लगा वेंदे ते जेड़ा बतूल दे दुश्मन दे पिछू नमाज़ा पढ़े घबरा तो नहीं गा जनाब हां ए मुनाफिकिन कसमा को ढाल बनाई खड़े ए मुनाफिकिन कसमा को ठा चलो तेरे को मथे नहीं पढ़ी दे ना ते कोई एक निशानी लिखे ना कुरान ही तू जेड़ी अल्लाह मुनाफिक दी दसी है दसा ए जिवें वोट आवे ना ते लिस्टां कढवाने लिस्टां कढेंदे हो ना वोटां दे मौके ते देखो साडे वार्ड च कितने वोट हैं कितने साडे हैं कितने पराए हैं मैं ते कुछ सूरह मुनाफिकून च निशानी दसे ना मुनाफिक दी बाते को पता लग वे सी जो साढ़े हलके च कितने हलके पए अगली आयत भी आने जाले का बयान हम आमनु सुम्मा तफरू ए मुनाफे की वास्ते ही न पहले मन वेंदे न बाद इच मुकर वेंदे पहले मन वैनन पहले सुम्मा ला क्या तर्जमा बन दे सही फिर उर्दू च बन दे फिर पंजाबी च बन दे फेर जंगोची च बन दे सही तुसा वैंदे रहंदे हो मोड़ मुल्तानी सराकी च बन दे वल तुहाडे सारे पासे सारे नन वत सिंधी आदन पान हूं इथों तो मैं को नहीं पता बी सरा दल के सर ये सरा की तो बात सरे ने पता नहीं पश्तून के सरे ने पता हां तो पहले मानवे दिन पहले जालिका बे अन्नहुम आमनू
कुछ बंदे सरदारां दी पैरवी करदे ने, कुछ बंदे अक्सरियत को मयार हक बने ने, तां करके बंदे अली दी विलायत छुड़े ने। अगर अल्लाह हिदायत कीती है अली दी विलायत दी, संभाल ले, जितनी मिली है उतनी संभाल ले। बहस न कर अली ते, जेड़ा चैप्टर समझ न पियांदा होए बंदा छोड़ देंदे। इवें ना जितनी मौला अली दी विलायत तक नसीब थी, ये सारा कोई कुछ ही नहीं, मुमकिन है मेरे तो ज्यादा तौक मिली होगी। इतनी मिली भी अली ते बहस न कर, अली ते बहस नाल शक पैदा होंदा है। अली दी जात ते जेड़ा शक करे अल्लाह माफ नहीं करे। मौला तुहाडी टुराया कबूल फरमावे। सारा दिन दी मजलिस ही तुहाडी मुहब्बत है, मगर ना खुदा दी कसम है साडे हुण ते पंजाब विच ना भावे नाम बरदा करिए ले पड़े ना इतने बंदे ना भावे ना, ये तुहाडी मुहब्बत है जिक्र नाल मिशन नाल जो बह गए हो। ज्यादा नहीं पढ़ना, पिओ दी लाश पई आंदी होवे ना हर कहंदे अगू अगू पुत्र खड़दे, इवें ना हस्पताल च कहंदा पिओ मर वञे डेड बॉडी आवे अगे अगे पुत्र खड़दे। हुसैन आदे जदा मैं गाजी दे टुकड़े चा के वल्ला, फजल पिछा खड़ा हा सकीना अगू आई खड़ी। बस आखिरी मुकान समझ के, चूंकि दुआ मंगनी है ना बाद, इस वास्ते कोशिश करें अखी तर रोवन। बकाया इस चीज की मैं हसरत नहीं, मैं तू खड़ के पिट तो मोमिन है, तेगे पीछे मोमिन कोई नहीं, तू बह के सोनी है चकर, मेरी हाजिरी पूरी है, मेरी घर की नौकरी पूरी है। पता कहा हुसैन आने जना मैं गाजी दे टुकड़े चा के वल्ला, फजल पिछा खड़ा हा सकीना गुआई खड़ी। प्यो तो देख क्या दिए बाबा, बड़े दर्दान लफ्ज़ से बाबा बाबा। हुसैन फरमाने जी सकीना, आदिए मेरा सोना बाबा, वो जो आधा हा मैं नौकर हाँ तैं भी नौकर समझे। बाबा तक होर दा पुत्र वड़ा प्यारा हा, उदी लाश तक तू चई वदा हमें, अकबर भावे ना भी चवींदा हाँ ना लई वदा हमें, कासिम दे भावे टुकड़े हैं सर ते रखी वदा हमें, मेरे चाचे दी लाश ने गिनाया। हुसैन फरमाने मैं चाहता रही हाँ मेरे को चवींदा ना। बाबा अकबर जो चाहे, हुसैन फरमाने ढेर न रुआ अकबर दे बाजू हैं, तेरे चाचे दे बाजू कोई नहीं। खैमन दो मुंह करके आ दिए पुफी आ लिया, अपना बुरका पहिया मेरा चाहिया, मेरे नाल जुलो मैदान मेरे बाबे कोल मेरे चाचे दी लाश नहीं चाहिए। हुसैन फरमाने जको मैं ना चाह संगा, तू चाह किनसे, दर्द कुठा होया लफ्ज़ वे, जको मैं ना चाह संगा तू चाह किनसे, आदिए मेरा ए यकीन नहीं जो मैं चाह किनसा, मेरा ए यकीन है मैं वैसा चाचा उठी बासी। हुसैन आदे घिन किवें आसे, आदिए मैं कंड करके टुरसा मेरे पिछू चाचा। बाजू कलम थी गैन, बाजू कलम तैन अब्बास परवाह नहीं की थी, ढावे निकली जदूर मिल तीर मशक चाल पानी मिट्टी डरे हुसैन कमारी चुना के बुलंद की ते बच्ची निठे बाजू कोई नहीं घोड़ा भजदा बजाए पियूद कदमा ते मत्ता मार के आदिये मैडा मरण मैं जींदा नहीं मैडा
ਆਇਸ਼ ਸਨੇ ਦੀ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੂਕਾਂ ਕਬੂਲ ਕਰੇ। ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਾਕਿਰ ਪਏ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਈ ਲੱਗਦੀ ਮੈਨੂੰ। ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕੋਈ ਮਰੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪੀਰ ਨਕੀਸ਼ਾ ਕਿਆ ਥੀਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮੁਸੱਲੀ ਹੋਵੇ, ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਥੀਂਦਾ। ਵਾਹ ਸ਼ਹੀਦ ਅੱਬਾਸ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਅਕਬਰ ਦਾ ਬਾਬਾ, ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕਰੇ, ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਤੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਦਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤੜਫੜ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਮਰਹਬਾ ਮਰਹਬਾ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕੈ ਕੁਲ ਨਸੀਵੇ, ਮਤ ਸਕੀਨ ਮੂਝੀ ਥੀਵੇ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਦੇ ਪਰਦਾ ਦੇਵੇ, ਹੁਸੈਨ ਭਰਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਖੜਕੇ ਜਦਾ ਹੁਸੈਨ ਪਹੁੰਚਾਏ, ਬੋਲਾ ਬੜੇ ਦਰਦਾਂ ਦਾ ਵਹਿਣ ਕੀਤਾ, ਅਦ ਮਰੀ ਮੌਤ ਦੇ ਕੁਲ ਨਸੇ, ਮਤ ਸਕੀਨ ਮੂਝੀ ਥੀਵੇ, ਮਰੀ ਮੌਤ ਦੱਸੇ ਮਤ ਦਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਬਹਿਰਾ ਵਜੇ, ਅਦ ਮਰੀ ਮੌਤ ਦੱਸੇ ਮਤ ਫੌਜ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇ, ਬਾਬਾ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਨਾ ਕਰ ਦੋ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਖਾ ਵੇ, ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਵੇ, ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਮਰੂਮ ਯਕਮ ਦਸੰਬਰ ਜ਼ਰਗਾਮ ਅੱਬਾਸ ਦੇ ਜਲਸੇ ਤੇ ਵੈਣ ਕੀਤਾ, ਅੱਖਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਹੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਰਾਦ ਸਰ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਸਕੀਨਾ ਵਤੀ ਗੁਲੇ ਦੀ ਆਈ, ਸਕੀਨਵਤੀ ਗੁਲੇ ਦੀ ਆਈ ਵੇ, ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਲਵੀਰਣ, ਸਯਦਾ ਦੇ ਹੇ ਦਸ਼ਤੀ ਰਸਬਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਵੇ, ਕਾਟ ਕਾਟ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਹੁਸੈਨ ਆਏ ਅੱਬਾਸ ਤੇ ਅੱਬਾਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਲਮ ਗੁੱਸਾ ਨੂੰ ਅੰਚ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੋਏ, ਸੈਯਦਾਂ ਦੇ ਗਾਜ਼ੀ ਮੋ ਚਿਹਰੇ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਹਤਰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਰੁਖ ਸਾਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਛੜਾ ਦਿੰਦਾ, ਅੱਜ ਅਕਬਰ ਦਾ ਬਾਬਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕੀਨ ਅੱਲਾ ਖੜੀ ਮਤਲਬ ਛੜੇ ਸ਼ਕੀਨ ਗੁੰਬਦ ਲੱਗ ਵਜੇ, ਮਰਜ
सकीना अलम खड़ी ले दिए मशाक अलम दे फुर ले जाके शाख में घिन आ ए बुजुर्ग दे मैं या सुन फरियाद खुदाया जेड़े धिया दे पियो बैठे हो या पेके बैठे हो बाबे तो लेके आ दिए मशक भी आई अलाम भी आया चाचा क्यों नहीं मच्छा सोने लगते हो मातम च करो सर्द मातम करो मशक भी आई अल्लाह अपनी जोर कमर दी कमर दे तलवे में बाजू दिता है जो गाजी दी लाश आवा हकल मार के आदे मैं दी लाश न चा मैं अकबर ना ते अब्बास न रो अलवाया मैं दे धारिया दीवे देख के तलिया इतनी कर सो मशक भी आई अलाम भी आया चाचा क्यों नहीं आया सुन फरियाद खुदाया मशक अलम दिन खेमा चुई कोई वैन आए या कोई ना हकल मार के आ दिए भेड़ी दा माल और सलामत रावे एक मिना थमशी रत लाई वान काल मिलने नजेवर साकु Oh, Baba, bismillah.